बिहार में आजकल लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी के करीबी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप के करीबी एक नेता को पद से हटा दिया, जिससे तेज प्रताप भड़के हुए हैं और जगदानंद और तेज प्रताप में वार पलटवार किस तरह से देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। 8 अगस्त को इस पोस्टर को लगाने के बाद आरजेडी चीफ लालू यादव के कुनबे में जो विवाद शुरू हुआ वो अब आर पार की लड़ाई बनता नजर आ रहा है। हमसे पूछा गया था, हम लालू यादव के बेटे नहीं हैं। पुत्र के रूप में सबकी इज्जत है। ये पोस्टर आरजेडी की स्टूडेंट विंग के तत्कालीन अध्यक्ष आकाश यादव ने लगवाया था। आकाश यादव तेज प्रताप के करीबी माने जाते हैं। इस पोस्टर में ना तेजस्वी की तस्वीर थी और ना ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की। नाराज जगदानंद सिंह ने आकाश यादव को बेदखल कर गगन सिंह को आरजेडी छात्र सभा का अध्यक्ष बना दिया। छात्र राजद का अध्यक्ष बनाने का कोई दूसरी संस्था अध्यक्ष के सिवा और अध्यक्ष की हैसियत से मैंने यदि बनाया हो तो काबे कान लो आप, जो कह रहा हो तो साधारण चीज है। इसके बाद तेज प्रताप जगदानंद सिंह के खिलाफ खुलेआम बयान देने लगे। जगदानंद सिंह कुछ दिन तो चुप रहे, लेकिन अब वो भी पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने ये तक पूछ लिया कि आखिर तेज प्रताप होते कौन हैं? तो तेज प्रताप भी कहां खामोश रहने वाले थे। Who is तेज प्रताप? I'm not accountable to तेज प्रताप. I'm accountable to लालू प्रसाद. He is my president. जब हमको इस तरीके से आरोप लगाया गया, Who is तेज प्रताप यादव? तो go and ask my father, Who is तेज प्रताप यादव? तेज प्रताप इतने नाराज हैं कि वो आकाश यादव को हटाने के मामले को कोर्ट में ले जाने की धमकी दी, तो जगदानंद ने उन्हें पहले पार्टी का संविधान पढ़ने की नसीहत दे डाली। यदि कोई मुझे बता दे कि संविधान की इस धारा या इस खंडिका के मुताबिक यह अधिकार का अतिक्रमण है तो मैं मान लूंगा कि संविधान हमसे टूट गया है। क्या करने वाला, जो सच्चाई है उसको हम रखने का काम करेंगे, हम उनको बताने का काम करेंगे कि संविधान में जो चीज धाराएं जो दी हैं 33 में उसका नियम का पालन नहीं हुआ। जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप के आरोपों का जवाब देते हुए आरजेडी के लिए अपनी निष्ठा जाहिर करने के जो वाकया सुनाया, तेज प्रताप ने उस पर भी सवाल उठा दिए। को पता है ना कि उनको चुनाव में हराया, दंड जितना उनको मैंने दिया, तुम बाप अपने बेटे को दंड नहीं दे सकता। पार्टी मेरे लिए सर्वोच्च है और पार्टी के रास्ते में जो खड़ा होगा मैं उसे अपना नहीं मान सकता। क्या उन जान से हत्या कर दिया उन्होंने अपने बेटे का, मार दिया, जान से हत्या कर दिया? तो विधायक है ना जी, वो तो माननीय विधायक है उनके बेटे। इससे पहले 15 अगस्त के कार्यक्रम में तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को हिटलर तक बता दिया था। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जगदानंद उनका फोन तक नहीं उठाते, लेकिन तेजस्वी यादव इस घमासान को पार्टी का अंदरूनी मामला बताकर जल्द सब कुछ सामान्य कर देने का भरोसा दे रहे हैं। सब कुछ हम हैं तो ठीक कर लेंगे, चिंता का है ना आप लोग कर रहे हैं इतना, जब हम चिंतित ही नहीं है, जब हम हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लालू यादव के जेल जाने के बाद तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपी गई थी, तब से तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच संबंध सामान्य ही रहे हैं, लेकिन इस एपिसोड ने ये साफ कर दिया है कि आरजेडी में अब सब कुछ सामान्य नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।